नौसेना के कार्यक्रम स्वावलंबन में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है लक्ष्य। कहा, हमारा अतीत है गौरवशाली, पहले काफी मजबूत थी हमारी रक्षा प्रणाली। सियासी गहमागहमी और आरोप प्रत्यारोपों के बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान पूरा, कई सदस्यों ने की क्रॉस वोटिंग, 21 को होगी मतगणना। बागी गुट ने अपने को असली शिवसेना बताकर शिंदे को चुना नेता, नई कार्यकारिणी का भी किया गठन, उद्धव गुट ने बताया अवैध। दिल्ली के रोहिणी में खौफनाक वारदात, सिक्किम पुलिस के जवान ने 3 साथियों को गोली मारी, सभी की मौत, आरोपी गिरफ्तार। और तीर्थ यात्रियों की भीड़ और तापमान की वजह से पिघले बाबा बर्फानी, यात्रा खत्म होने से पहले ही अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह से विलीन। आप देख रहे हैं आज तक।